नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंचमुखी हनुमान जी का मुंह किधर होना चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, वो बिल्कुल निराश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाया जाए। अगर आप भी अक्सर समस्याओं से घिरे रहते हैं तो वास्तु का ये खास उपाय आपके काम आ सकता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाने से घर पर किसी तरह की विपत्ति नहीं आती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनके स्मरण मात्र से हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का महत्व और इसे लगाने की सही दिशा के बारे में। पंचमुखी हनुमान के पांच मुख का महत्व। वास्तु के अनुसार घर में पंचमुखी तस्वीर लगाने से घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह तस्वीर लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पंचमुखी हनुमान के पांचों मुख का अलग अलग महत्व है। ये भगवान के ये सारे मुख अलग अलग दिशाओं में हैं। पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी का वानर मुख है जो दुश्मनों पर विजय दिलाता है। पश्चिम दिशा की तरफ भगवान का गरुड़ मुख है जो जीवन की रुकावटों और परेशानियों को खत्म करते हैं। उत्तर दिशा की ओर वराह मुख होता है जो प्रसिद्धि और शक्ति का कारक माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान जी का नृसिंह मुख जो जीवन से डर को दूर करता है। आकाश की दिशा की ओर भगवान का अश्व मुख है जो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने की सही दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना सबसे शुभ होता है। इस जगह पर तस्वीर लगाने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। पंचमुखी हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लाएं जिसमें वह दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हों। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा से सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इस दिशा में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।